वेलकम इन के डिजाइन चैनल। आज की वीडियो में बताएंगे किस तरह से सॉलिड वर्क में लाइन कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं और बताएंगे कि लाइन कैसे बनाई जा सकती है, रिलेशन कैसे दिए जाते हैं, लाइन कितनी तरह की होती है। तो इस पूरे एकदम डिटेल में बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट में जाते हैं, कोई भी डिज़ाइन कोई भी स्केचिंग करनी होती है तो हम पार्ट में ही करते हैं। तो पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पार्ट पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, पार्ट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम पेंट को वाइट कर लेते हैं, थोड़ी ब्राइटनेस आ जाएगी, देख लीजिए। अब कोई भी स्केचिंग करनी होती है तो सबसे पहले हमको प्लेन चूज करना होता है। यहाँ पर तीन प्लेन का ऑप्शन है, फ्रंट, टॉप एंड राइट। तो हम फ्रंट को चूज कर लेते हैं, क्लिक करेंगे, स्केच का ऑप्शन आ जाएगा, स्केच पर क्लिक करेंगे। अब हम स्केच में आ चुके हैं, तो जैसे मैंने बताया कि लाइन बताऊँगा, तो लाइन पर क्लिक करेंगे, कोई भी एक पॉइंट पर क्लिक करेंगे, कोई दूसरा पॉइंट चूज करेंगे। अब लाइन बन चुकी है। अगर हमने लाइन बना ली और उस कमांड से एग्जिट होना चाहते हैं तो एग्जिट होने के लिए आपने माउस पर राइट क्लिक दबाई, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट का, उस पर क्लिक कीजिए, तो अपने कमांड से एग्जिट हो चुके। अब लाइन पर क्लिक कीजिए, तो कुछ रिलेशन बता दें। अभी यहाँ पर तीन रिलेशन हैं, ओरिजेंटल, वर्टिकल एंड फिक्स। सबसे पहले ओरिजेंटल अगर मैं क्लिक करता हूँ तो लाइन ओरिजेंटल हो चुकी, ओके देख सकते हैं। क्लिक करूँगा इस वाले रिलेशन को, रिलेट करता हूँ वर्टिकल, देखो तो लाइन वर्टिकल हो गई, ठीक है। अब फिक्स बताने से पहले कुछ चीज़ बता दूँ, अगर मैं लाइन को क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो मूव कर पा रहा हूँ, देख पा रहे हैं मैं लाइन को मूव कर पा रहा हूँ। अगर मैं ऐसे रिलेशन दे दूँ फिक्स, जैसे नाम से सुन दे रहा हूँ, अब ऐसे मूव नहीं कर सकता। आई कैन नॉट ड्रैग द सेलेक्टेड आइटम इज फिक्स, ठीक है। तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं। अगर ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फाइनल। अगर मैं फॉर कंस्ट्रक्शन पर चेक कर देता हूँ तो लाइन सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, स्केच में बहुत इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है। इनफाइनाइट लाइन को चेक कर दूँगा तो लाइन इनफाइनाइट हो जाएगी, तो इनफाइनाइट लाइन इस्तेमाल नहीं, चेक कर लेते। पैरामीटर देना है, जैसे कि लाइन की लेंथ देनी, तो यहाँ पर स्केच में एक ऑप्शन है स्मार्ट डिमेंशन, उस पर क्लिक करना, लाइन पर क्लिक करना, देख सकते हैं लाइन की लेंथ अभी कितनी हुआ, आगे क्लिक करना तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं कितनी देनी, जैसे 10 मिलीमीटर देनी, 10 देनी तो 10 आ गई, देख सकते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल लाइन। अब लाइन के दो और ऑप्शन है, लाइन के बगल में एरो है तो ड्रॉप डाउन करेंगे, दो और ऑप्शन आते हैं, सेंटर लाइन एंड मिड पॉइंट लाइन। सेंटर लाइन में क्लिक करेंगे तो वही सेम लाइन फॉर कंस्ट्रक्शन वाली लाइन बन जाएगी, कोई दो पॉइंट लीजिए और लाइन बन गई। सेंटर लाइन का इस्तेमाल मिररिंग करने में इस समय इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आपको कोई रिलेशन देने हो तब। दूसरा जो तरीका है वो है मिड पॉइंट लाइन का, इस पर क्लिक कीजिए, तो वो एक पॉइंट पर क्लिक कीजिए, जिस डायरेक्शन में लाइन बनेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी इक्वल लेंथ की लाइन बन दीजिए। जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो दूसरी तरफ लाइन ऑटोमेटिकली बन रही है इक्वल लेंथ की, क्लिक कर दूंगा तो लाइन मिल, वही सेम रिलेशन दे सकते हैं, ओरिएंटल, वर्टिकल, फिक्स, ऑप्शन दो ही हैं, और कंस्ट्रक्शन, फाइनाइट और पैरामीटर आप दे सकते हैं स्मार्ट डायमेंशन की मदद से। तो ये लाइन के तीन ऑप्शन हैं। तो जैसे मैंने पूरा लाइन का सॉलिड वर्क में किस तरह से लाइन बनाई जाती है, कैसे रिलेशन दिए जाते हैं, सब कुछ बता दिया। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी तो लगभग मालूम ही सब समझ आया होगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो फॉलो हो तो भी शेयर करना। थैंक यू।